पूर्णागिरी मेले के दौरान वाहन हादसों और शारदा नदी में श्रद्धालुओं के डूबने से होने वाली मौतों से प्रशासन खासा चिंतित हो उठा है। डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने सोमवार को एसपी व अन्य अधिकारियों के साथ पूर्णागिरी मेले क्षेत्र का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने शारदा नदी किनारे के उन क्षेत्रों का भी दौरा किया जहां पिछले दिनों श्रद्धालु डूबे थे। उन्होंने अधिकारियों को खतरे वाली जगहों पर चेतावनी बोर्ड लगाने व जागरूकता संबंधी फ्लेक्सी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। साथ ही वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गहन चेकिंग व यातायात नियमों का पालन करने वालों के चालान करने के निर्देश दिए। तो इसमें कोई कमी जो भी एक्सीडेंट हुए, तीन एक्सीडेंट हुए। पहला एक्सीडेंट ड्राइवर की गलती से हुआ, दूसरा एक्सीडेंट भी ओवर स्पीडिंग में हुआ जबकि चलान किए जा रहे हैं, तीसरा जो ट्रक पे चढ़ के लोग आ रहे हैं, लगभग 20-30 लोग एक ट्रक पे आ रहे हैं उनकी भी चलान कर रहे हैं। तो सारी जो है एक तरह से रोड का कहीं पे ऐसा कहीं फॉल्ट नज़र नहीं आया हमें कि डिज़ाइन में फॉल्ट हो, ये ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है जो भी सारी एक्सीडेंट्स हुए। जैसे कि यहाँ पे दो बच्चों की नहाते हुए डेथ हुई, तो ये नहाने का कोई स्पॉट नहीं, ना ही ये घाट है, क्योंकि पूरा पैच है, अब इंसान कहीं भी जाके नहा सकता है। तो इसमें हम कोशिश यही कर रहे हैं कि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा की जाए ताकि लोग अपने आप सुरक्षित रहें और ये मेला सुरक्षित हो। हाँ, यहाँ पे क्योंकि बहुत ओवर स्पीड भी हो रहा है, चलान भी संयुक्त रूप से हर दिन किए जा रहे हैं, लगभग 30-40 चलान, किसी दिन 80 चलान हो रहे हैं, और इसमें स्पीड ब्रेकर लगाएंगे हम बहुत जगहों पे। उसकी धनराशि 10 लाख रुपये को दे दी गई है और वो एक दो दिन में यहाँ पे कार्य शुरू हो जाएगा। और जहाँ जहाँ पे कूड़ा वगैरह, जैसे बहुत लोग पॉलिथीन का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें चलान के जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं हमारे, उनको आदेश दे दिए गए हैं। और जहाँ तक प्रिवेंशन की बात है, हम प्रिवेंशन ही कर सकते हैं। और इसमें सबको, जैसे टैक्सी यूनियन को भी बुलाया था इसमें, जो मंदिर समिति के अध्यक्ष जी भी आए थे, तो वो भी एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे ताकि अब जो भी टैक्सी चलाते हैं वो शराब के नशे में या ऐसे इरेस्पॉन्सिबली ना चलाएं। सर, जैसा कि पूर्णागिरी मेले में निकल के सामने सर, इसमें जो यहाँ पे पूरा रोड पे जैसे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें जगह जगह जैसे लोग कहीं भी जाके नहा रहे हैं, किसी भी पूरे काली रिवर के अलॉन्ग ये हमारा पूर्णागिरी का जो मेला चलता है, तो इसमें यहाँ पे फ्लेक्सी लगाना, जहाँ जहाँ पे अवेयरनेस कराना। डीएम ने पूर्णागिरी मेला क्षेत्र का निरीक्षण करने से पहले टनकपुर तहसील में अधिकारियों के साथ बैठक कर मेले की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। पूर्णागिरी मेले के संबंध में जो सुझाव आ रहे थे, तो उसमें बैठक की माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि जो ह्यूमन एरर, जो अपनी गलती से भी जैसे ड्राइवर की गलती हो रही है, कभी लोग भी अन्यथा चले जा रहे हैं ऐसे पॉइंट्स पे और सेल्फी खींचते और स्नैच हो जा रही है, तो इसमें हमने बैठक की और हर जगह हम फ्लेक्सी लगाएंगे और जहाँ पे शार्प बेंड है वहाँ पे हम लोग स्पीड ब्रेकर लगाएंगे। और पानी की अगर कहीं व्यवस्था कम है, वैसे तो 43 पॉइंट्स हैं भैरव मंदिर तक, उसके ऊपर भी 23 पॉइंट्स हैं, बट हम पूरे काली मंदिर तक पानी हर जगह पहुँचाएंगे ताकि अभी गर्मी भी आने वाली है, तो उसमें भी कोई ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट ना रहे और फिजिकल इफेक्ट ना रहे लोगों पे। और हम रोड सेफ्टी के लिए और जो घाट पे जो लोग जा रहे हैं उनमें अवेयरनेस के लिए काम करेंगे। और चलान की कार्रवाई बढ़ा दी गई है और भी चलान होंगे, इस मेले को और सुरक्षित बनाया जाएगा।